मधेपुरा में इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्वक माहौल में शुरू की गई। बता दें कि जिले में कुल 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 29 मधेपुरा अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित है, जबकि 9 परीक्षा केंद्र उदा किश्नुगंज अनुमंडल मुख्यालय के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में बनाए गए। इस बार जिले में 33,415 छात्र और छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, ताकि परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले और शांतिपूर्वक माहौल में परीक्षार्थी परीक्षा दे सके। कहाँ आए हुए? इंटर का एग्जाम देने, साइंस पेपर है, फिजिक्स सब्जेक्ट है। उम्मीद करते अच्छे से एग्जाम जाए हम लोग का। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी प्रिया। वहीं परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम नीरज कुमार और एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने कहा कि परीक्षा नियमित समय पर शुरू हो गई है और बड़े ही शांतिपूर्वक माहौल में चल रही है। मधेपुरा अनुमंडल में कुल 29 परीक्षा केंद्रों पे इंटरमीडिएट की परीक्षा आज प्रारंभ हुई है। कुल 27,000 के लगभग बच्चे जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने के लिए, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है और सभी जगह पे शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से परीक्षा चल रहा है। हम और एसडीपीओ साहब दोनों आदमी जो है सभी केंद्रों पे भ्रमण करना अभी प्रारंभ कर चुके हैं। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा चल रही है। हमारे यहाँ कुल 29 सेंटर हैं, जहाँ लगभग 27,000 परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और सभी सेंटर पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। बता दें कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक और दूसरी दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करवा दिया जाएगा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर जाने दिया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव की रिपोर्ट।